हेलो जी, मेरे इस लद्दाख के सफ़र के तीसरे दिन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जहां हम दारचा से सोमोरीरी तक का सफ़र तय करने के लिए निकलेंगे तो सही, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और चैलेंजिंग दिन होने वाला है, जहां हम ढेर सारी ऑफ रोडिंग और घाटा लूप्स और कुछ माउंटेन पासिस को क्रॉस करते हुए और एक्सट्रीम ठंड को झेलते हुए राइड करते हुए हम सोकर तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो जी, दारचा में आप लोगों का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और रात में हम यहाँ पे पहुँच गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रात में नहीं शाम में हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और राबजांग करके होम स्टे है, हमने यहाँ पे स्टे किया था। और भाई क्या ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। द ओनर हेयर वेरी वेरी डिसेंट मैन, वेरी हेल्पफुल, काफ़ी अच्छे इंसान थे। ये एक बाहर कहीं खेत वेत में गए हुए थे, इन्होंने आते ही मेरे को पहले चाय दी। ऑल आई वॉज रेस्टिंग इन माई रूम, इन्होंने बिना कुछ बोले अपने मेरे लिए चाय बना के लाए। जो रात में खाना था वो भी काफ़ी अच्छा था। एंड अभी हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। अभी बजे हैं सुबह के कुछ 7:45। इतनी जल्दी निकलने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि एक तो आज हमें रास्ता लंबा तय करना है। आज हम जा रहे हैं सोमोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें 30 किलोमीटर वापस पीछे जाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि मैं और मृगनैनी आउट ऑफ फ्यूल हैं। मेरे को नहीं पता था कि दारचा के आगे फ्यूल नहीं मिलेगा। इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड, मैंने चेक वेक नहीं किया था ऑब्वियसली, बट कोई नहीं। अभी 30 किलोमीटर पीछे जाएंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा, फिर 30 किलोमीटर वापस आएंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा, तो हमारे लगभग 2 घंटे चले जाएंगे। अगर मैं 7:30 भी निकलता, 9:30 हो जाएंगे। उसके आगे तकरीबन 8.5 घंटे का सफ़र है सोमोरी का। बीच में रुकते रुकाते अगर हम जाएंगे तो टोटल 9:30 से 10 घंटे का सफ़र है सोमोरी का। तो भैया अगर हम 10 बजे निकलते हैं तो हम रात के 8 बजे तक पहुँच पाएंगे। और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मेरे को रात में ट्रैवल करना पसंद नहीं है। कल भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे रूम में बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अभी सुबह मैंने उठ के टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर था तकरीबन -3 के आसपास। तो ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अभी मेरे को इसलिए नहीं लग रही है, मैं काफ़ी गर्म पानी से नहाया हूँ। बाकी अब नज़ारे देखो यार, मेरे पीछे क्या ही सुंदर जगह है। और ऊपर से हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी दिखने चालू हो गए हैं, ये देखें आप, ये दरिया जा रहा है। बाकी ऑल एंड ऑल दारचा जगह तो बहुत सुंदर है। अभी इसको अलविदा कहने का समय आ गया है। अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना सामान पैक करते हैं और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो जी हम जल्दी हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे जो भैया थे उन्होंने बोला कि आप नीचे ही आ जाइए, तो हम नीचे जा रहे हैं। तो ये हैं वो भैया जिन्होंने हमें नीचे बुलाया खाना खाने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केसर सिंह सर। केसर सिंह, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। तो जी यहाँ पे हम करेंगे आज अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो ये यहाँ की दरअसल चिमनी कह लें या जो भी है वो कह लें, इससे ना ये पूरा एरिया गर्म रहता है। पाइप ऊपर जाता है और ऊपर मस्त गर्मी वर्मी कर देता है। काफ़ी बढ़िया सीन है यार। अभी हम बैठते हैं, अपना खाना खाते हैं। अच्छा उधर, अच्छा ये क्या है? ये चिमनी सर। अच्छा ये यहाँ पे भी पूरा गर्म रखती है, खाना भी बन जाता है और ऊपर भी गर्म जाता रहता है। 15-16 के बाद ये जलेगा सर। अच्छा 15-16 के बाद यही पूरा यहाँ पे गर्मी करेगा। बिल्कुल सर। ओके ओके, तो हमारा खाना आ गया जी, आलू के पराठे और अचार। तो भी हम शुरू करते हैं। किस चीज से बनता है? अपना गाय, प्योर गाय। प्योर गाय का घी? हाँ, टेस्ट कराओ। मैंने हमें घी भी दिया गाय का। भी ट्राई कर रहा हूँ सर। डिनर बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। मैं आपका पहला होम स्टे हूँ? नहीं, मैं क्या, आप पहला होगा इस सीजन का? अच्छा, पहले भी बैठे? पहले रुके सर आप। मेरा नहीं, नहीं मेरा जिंदगी का पहला होम स्टे है ये। कैसा लगा सर फीलिंग? काफी अच्छा है। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? मेरे मिसेज है सर। अच्छा। तो थोड़ा आज कल माइक ही किया हुआ। अच्छा। और जी साथ में हमारी चाय भी आ गई है, दरअसल ब्लैक टी है ये। काफी अच्छा खाना है।
जवाहर नवोदय में? नवोदय में। कौन सी जगह पे है? स्पीति में सर। स्पीति में, काफी बढ़िया स्कूल है जवाहर नवोदय। बिल्कुल सर, इंट्रेंस निकाला उन्होंने, पेपर निकाले थे भी नारायण जी। तो उसके बाद एक बेटी है, वो भी नवोदय का ही ब्रांच है, एक लव्य बोल के, सुना होगा? सुना नहीं है। वो यही उदयपुर में है। तो लोग हॉस्टल में जाते हैं? मतलब ये है सर, बस बापू को थोड़ा फ्री करा दिया प्लस टू तक, सिक्स की बात लगे ना ये, सिक्स की बात। खर्चा पानी देने की जरूरत नहीं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, देता है हॉस्टल हॉस्टल सब कुछ ही। सही है, हॉस्टल है सर मेन, सबसे बड़ी बात पढ़ाई अच्छे है सर। आपका बेटा कौन सी क्लास में है? एट्थ में सर। एट्थ में, मैं फार्मर हूँ। खेती बाड़ी यहाँ पे किस चीज की खेती होती है मेनली? क्या बोलना सर, आलू गोभी फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, राजमा की दाल हो गया, तो ये सारा खेती होने लग गया सर। हो रहे ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया ना सर, वो नहीं रहा पहले वाला। जब आपका अटल टनल नहीं बने, अटल टनल नहीं बना हुआ था उस टाइम सर, इतना अच्छा बर्फ गिरते थे यहाँ, 16-17 फीट गिरते थे सर। अच्छा, टनल बनने के बाद बर्फ गिरना कम हो गया? उसके बाद कम ही हो गया सर। क्यों? लोगों के आना जाना ज्यादा हो गई, गाड़ियां पहले 500 आते थे, अब लाखों में आ रहे, तो इसलिए गर्मी बढ़ गई है, पोल्यूशन सर इसे बोलते हैं सर, मूवमेंट ज्यादा हो मौसम। वो तो कहाँ से सर? मैं दिल्ली पे। दिल्ली से, तभी मैंने आपसे पूछा दिल्ली आए हो कभी, भीड़ बहुत है वहाँ। चलें जी शुरू करें फिर। मृग नैनी को मैंने कोल्ड स्टार्ट दे दिया था, फिर सामान वामान रखने लगा, अभी करते हैं चलने की तैयारी शुरू। ऑल्सो आगे कोई फ्यूल स्टेशन है नहीं, तो उसके लिए मैंने एक ये ले लिया है जेरी कैन। चलो भाई, बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पहले हम जाएंगे वापस कीलों की तरफ। चलो भाई, आज की यात्रा सुखदमय बनाना भगवान। यहाँ फ्यूल स्टेशन कहाँ मिलेगा? फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन केलोंग में। और उधर जाएं तो सोमोरी की तरफ? सोमोरी जी, और इस बीच में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उधर से लेना पड़ेगा, केलोंग जाना पड़ेगा आपको। थैंक यू। चलें जी, और कंफर्मेशन मिल गया कि हमें केलोंग जाना ही पड़ेगा। अभी मैंने गूगल मैप पे कोई लोकेशन लगाई नहीं है, क्योंकि कल मैं उस तरफ से आया था, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरफ पड़ता है केलोंग। तो चलते हैं अभी। कल हम यही वाला ब्रिज पार करके आए थे, आज भी यही वाला ब्रिज पार करते हुए जाएंगे। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वो 1 किलोमीटर के आसपास तो शायद। अंदर मैंने आज एक्स्ट्रा एक लेयर पहनी है, लेकिन फिर भी हवा अंदर जा रही है। सोच रहा हूँ एक बार रुक के अपना विंड शीटर पहन ही लूँ, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे रुक के पहन लेते हैं। साहब क्या नज़ारे हैं सामने, मज़ा आ गया, रोम रोम खिलखिला उठा देख के। तो भाई हम फाइनली पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इधर। तो जी हमने यहां से पेट्रोल ले लिया है, और काफ़ी मशक्क़त हो गई हमारी। क्या हुआ कि जो कैन हम लेके आए थे वो लीक्ड था, तो
तो उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते थे, तो उस कैन से हमने पेट्रोल टैंक में डाल दिया और टैंक को फुल भी करवा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गया एक कैन लेने, वहाँ पे 200 रुपए का कैन मिला है हमें, जो कि काफ़ी महंगा है 10 लीटर का, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने नहीं सोचा कि क्या महंगा है क्या सस्ता है, बस ले लो ठीक है। फिर जब मैं कैन निकाल रहा था बाइक से तो सारा लगेज गिर गया। मैं अपना लैपटॉप भी कैरी कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले लैपटॉप ऑन करके देखा कि भाई लैपटॉप में तो कोई दिक्कत नहीं आ गई है, बट ऊपर वाले का ख्याल है कि नहीं आई। उसके बाद भाई अब 10 लीटर वाले जेरी कैन में भरवा लिया, तो मैं रखूँ कहाँ पे? ऑल्सो हमारी जो एक्स्ट्रा रस्सियाँ थी वो मैं उधर ही भूल गया जिस होम स्टे में मैं रुका हुआ था। फिर उसके बाद कैसे भी करके इनको एडजस्ट किया है, इनको बांधा है, और अभी हम दोबारा से निकले हैं सोमोरी की तरफ। तो अभी बजे हैं तकरीबन 10 के आसपास, और सोमोरी का रास्ता है यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर, और जिसके लिए हमें गूगल मैप दिखा रहा है कि हमें लगेंगे 8.5 घंटे के आसपास। तो रुकते रुकाते 10 घंटे के आसपास आप मान ही लो, तो हम रात के 8 बजे के आसपास तक पहुँचेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलाते पहुँच जाएंगे। काफ़ी मशक्क़त हो गई प्रिंसिया सुबह सुबह, पर कोई नहीं, यही एडवेंचर है। तो जी चलें, अब चलते हैं हम। बाकी लोग यहाँ के बहुत अच्छे भी हैं और कुछ एक आधे अच्छे भी नहीं हैं, लाइक जो दुकान वुकान वाले हैं बिजनेसमैन है ना, वो पूरे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, और जो बाकी होम स्टे वाले हो गए पेट्रोल पंप वाले हो गए वो लोग बड़े अच्छे हैं। मेरे पास कोई भी कैश नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा दुकान वाले से जहाँ से मैंने कैन ख़रीदा कि मैं 3-4 हज़ार अगर आपको पेटीएम करूँ तो आप मेरे को कैश दे दोगे? तो भाई साहब ने मेरे को कहा कि 5% लगेगा एक्स्ट्रा। तो मैंने एक स्माइल दी और मैं आ गया। यही बात फिर मैंने फ्यूल पंप वाले से पूछा, एंड ही वाज लाइक कि हाँ हाँ 3 हज़ार हम दे देंगे, क्योंकि अभी सुबह सुबह कैश आया नहीं है, आप एक काम करो आप 3 हज़ार कर दो। और उन्होंने फटाक से मेरे को 3 हज़ार कैश दे दिया। अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। खैर चलते हैं अभी। मैं जी यहाँ पे अपनी रस्सियाँ भूल गया था जिससे मेरे को अपना लगेज बांधना था, ये रखी, और मैं अभी 2 घंटे बाद आया हूँ, और मेरे को ये यहीं रखी मिली है। अभी उतरते हैं और सामान एक बार बांध लेते हैं। तो सोमोरी जी के लिए हमें यहाँ से राइट होना पड़ेगा। आई एम नोट रॉन्ग। यहाँ से सरकू बचा अभी 67 किलोमीटर, तो सरकू तक हम बिना रुके जाएंगे। सो वी आर एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड दीपक ताल, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं अपना ये उतारूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी तेज़ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना,
कि पूछो मत आप, मतलब एक्सट्रीम तेज़ हवा चल रही है। और मैंने बहुत रील्स में बहुत वीडियोस में देखा था कि दीपक ताल और दीपक ताल से थोड़ी सी आगे जाके आएगा सूरज ताल, लाइक दीज टू आर वेरी फेमस हेयर। उसके बाद फिर आप ले वाले रास्ते पे कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू कैन जस्ट स्टॉप हेयर। ऑल्सो द एयर इज़ वेरी थिन हेयर, तो यू माइट हैव टू फेस AMU, दैट इज़ अक्यूट माउंटेन सिकनेस। फॉर दैट यू मस्ट बी टेकिंग दी डायमोक्स 250 mg, इफ नॉट स्टार्ट टेकिंग इट, बिकॉज एज यू गो हाई अप इन द एल्टीट्यूड AMU इज़ गोना किक यू। खैर मैं तो ले ही रहा हूँ दो तीन दिन से, कर ही देता हूँ, सेक्सी लग रहा हूँ क्या? वाओ ग्रेट प्लेस, बट एज यू नो दैट वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, सो वी शैल कंटिन्यू आर जर्नी, वी वॉन्ट बी स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम हेयर। इट वॉज अ प्लेस टू सी, वी केम हेयर टू सी, नाउ विल कंटिन्यू द जर्नी। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू होता है हमारे लग में, वैसे भी क्योंकि हमारे गोप्रो ने हमारा साथ देना छोड़ दिया और उसने कुछ भी आवाज़ को साफ से रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। खैर कोई नहीं, आप लोगों की आवाज़ अब मैं बनूंगा, वैसे भी मैं ही था, बट कोई नहीं, फ़िलहाल मैं लैपटॉप के पीछे से आपकी आवाज़ बनता हूँ। तो दीपक ताल से निकल कर हम पहुँचते हैं पाक्सियो, जो कि बसा है 12,300 फीट की ऊँचाई पर। खैर ऊँचाई का अंदाज़ा तो हमें हो ही गया था इन ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को देख कर और मेरी गिरती हुई सांसों को महसूस कर कर। तो पात्सियो से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और दो बार व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू यार बोलते ही हम ये सुंदर सुंदर पहाड़ और वादियाँ, जिनके सामने मुझे महसूस होता है कि मैं कितना छोटा हूँ और मेरा भी और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को एडमायर करते हुए और मीठी मीठी ठंड को महसूस करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और सामने बीआरओ का एक बोर्ड पढ़ता हूँ जिस पे लिखा होता है डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा। तो अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये है, ज़्यादा हवाबाजी ना करें नहीं तो आप पिल जाएंगे। इट मीन्स दैट यू शुड ड्राइव सेफ इन माउंटेन्स। और फिर चलते चलते मेरे को ध्यान आया कि मैं आप लोगों को गाना सुनाना तो भूल ही गया, तो चलो अब एक गाना सुन लो। और फिर कुछ देर गाना सुनने के बाद मुझे सामने मौसम के हाल कुछ सही नहीं लगते, लेकिन अपने जज्बे से भरपूर और बढ़ती हुई ठंड और काली घटा वाले बादलों को इग्नोर करते हुए मैं बढ़ता हूँ आगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मौसम कुछ खतरनाक मोड़ लेने वाला है और इस बात से अनजान और बेखबर और इन वादियों का लुत्फ उठाते हुए मैं हंसी और उत्साह के साथ खुद से बात करते हुए बारालाचा ला के थोड़ा और नज़दीक पहुँच जाता हूँ, जो कि मेरी इस राइड का पहला मेजर माउंटेन पास होने वाला है और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हम पहुँच जाते हैं एक जगह जिसका नाम था जिंग जिंग बार। नहीं, यहाँ पे कोई बार नहीं है, जस्ट इस जगह का नाम जिंग जिंग बार है क्योंकि यहाँ पे जो रोड है इट इज़ ऑफ जेड शेप। यार आज मेरे को ना मेरे सामान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, मेरे को हर थोड़ी देर में ना रुकना पड़ रहा है इसको सेट करने के लिए, पता नहीं क्या फील है। और सामने देख रहे हो हमें स्नो कैप्ड माउंटेन जिसमें स्टार्ट हो गया, हाँ पर वो फ्रेश स्नो की हुई है। और फिर मौसम में एक अलग करवट ले लेता है और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। इट स्टार्टेड टू स्नोफॉल और जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो और ज़्यादा ठंडी हो गई, एंड एट वन पॉइंट आई थॉट कि ये तो सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। और कांपते हुए दांतों और कांपती हुई आवाज़ के साथ, मन में दृढ़ निश्चय के साथ, मैं आगे बस बढ़ता जाता हूँ और स्नोफॉल और तेज़ होता जाता है, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता जाता हूँ और स्नोफॉल और तेज़ होता जाता है। और ये मंज़र लगातार चलता रहता है और मैं भी बस चलता रहता हूँ और चलता रहता हूँ।
वो दरअसल हमें बारालाचला पहुंचना था ना, और उस टाइम पे मेरे को लगा कि ज़िंदगी से ज़्यादा बारालाचला ज़रूरी है, तो बस चलता रहता हूँ। और फिर स्नोफॉल और तेज़ हो जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं बादलों के बीच से होते हुए गुज़र रहा हूँ। हालांकि मैं गुज़र भी रहा था बादलों के बीच से होते हुए, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाइयों पे पहुँच गया था, पहाड़ों की। और फिर मैं इनकाउंटर करता हूँ एक ऑफ रोडिंग, हालांकि दैट वॉज नॉट एन एक्चुअल ऑफ रोडिंग, वो सिर्फ एक रोड बन रहा था, तो थोड़ा सा कच्चा रोड था। और फिर इस ऑफ रोडिंग के पड़ाव को भी पार करके हम पहुंचते हैं आगे, और मेरे मन में एकदम से वो वाला गाना बजने लग जाता है, वो है ना, जिस पल का मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। मेरी इस ख़राब आवाज़ को इग्नोर करो और आगे जो आ रहा है आप उसको एंजॉय करो, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं बारालाचला पास, मतलब जिसके लिए मैं ये सब स्नोफॉल और ये सब एक्सट्रीम ठंड इग्नोर करके बस आगे बढ़े जा रहा था। हम फाइनली वहां पहुंच जाते हैं, आवर फर्स्ट मेजर माउंटेन पास। और बारालाचला पास पहुंच जाने के बाद मैं अपनी बाइक को लगाता हूं इस ऐतिहासिक जगह के सामने, और अपनी बाइक को निहारता हूं। मैं अपनी मृगनैनी को निहारता हूँ। और बारालाचला पास जो कि सिचुएटेड है 16,040 फीट की ऊंचाई पे, वाह मज़ा आ गया पहुँच के। और मेरी मृगनैनी भी कुछ कम सुंदर नहीं लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और वहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, एंड आई वॉज फेसिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। भाई मेरे को ना वहाँ पे सांस आना बंद हो गया, मतलब ऊंचाई की वजह से नहीं बट हवा इतनी तेज़ चल रही थी और मैं बोल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को सांस चढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने सोचा कि अब मैं अपने मृगनैनी को इतनी ऊंचाई पे ले आया हूँ तो इसका एक फ़ोटो तो लेना बनता है। तो मैं दूर से एक फ़ोटो लेता हूँ, एक थोड़ा सा इस एंगल से और थोड़ा सा उस एंगल से, और बहुत खुश हो जाता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि अगर भाई लोग मेरे को थोड़ी सी जगह दें तो मैं अपना भी एक फ़ोटो निकालने दो, ऐसा मैं बोलना चाहता था बट मैंने बोला नहीं। और उसी बीच भाई बन जाते हैं शाहरुख खान ऐसे बाहें फैलाते हुए, और इस चिलचिलाती हुई ठंडी हवा से बचने के लिए मैं चला जाता हूँ पीछे की ओर कि दीवार मेरे को थोड़ा सा तो बचाएगी। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं निकालता हूँ अपना फ़ोन और मैं फ़ोन से शूटिंग शुरू करता हूँ कि शायद इसमें तो आवाज़ ठीक आएगी। तो अब आप सुनो मैं क्या कहता हूँ। So we are in the famous Barala-chala and I'm in no mood to take off the helmet क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है भाई। मैं भी बारालाचला का ये जो बोर्ड है इसके पीछे की तरफ आया हूँ क्योंकि सामने एक्सट्रीम विंड्स है और एक्सट्रीम विंड्स की वजह से बहुत 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 ठंड लग रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि सांसें बढ़ रही है। विल जस्ट क्लिक अ पिक्चर विल बी लीविंग फ्रॉम हेयर। तो भैया भी 12,00,000 से अब पता चला वहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही थी। बहुत तेज़ हवा भाई, बहुत तेज़, इतनी तेज़ हवा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी होंगी। और फिर बारालाचला को बाय बोलते हुए और वापस आने का प्रॉमिस करते हुए हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर, क्योंकि आप भूल गए लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि सोमोरीरी अभी भी 8 घंटे दूर है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए एक गाना चला देता हूँ, आप उस गाने के साथ सुंदर सुंदर पहाड़ों के मज़े लीजिए, और मेरे लैपटॉप की पानी में गिरने वाली कहानी और हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग को देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। आप बने रहिए। ऑल्सो
इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. सो मेक श्योर यू डू दैट. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. एक मिनट जाना मत, पहले आप गाना सुन लो.